आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक यूनिक रेसिपी। उड़द बिरयानी जितनी देखने में बढ़िया लग रही है उतनी ही खाने में स्वादिष्ट लगेगी। आइए हम अब इसकी शुरुआत करते हैं। ये 2 कप उड़द मैंने ओवरनाइट भिगो कर रख दिए थे। भीगे हुए उड़दों को हम कुकर में डाल लेंगे, थोड़ा पानी डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे। अब कुकर का ढक्कन लगाकर 2 सीटियाँ आने के बाद कुकर को खोल कर देखेंगे। आइए कुकर को खोल कर देखते हैं। उड़द हमें ऐसे ही चाहिए थे, ना तो ये गले हैं ना ये देखो हाथों से दबाने से दब रहे हैं, खड़े खड़े उड़द चाहिए थे बिल्कुल ही। पानी में से उड़दों को निकाल लेंगे, थोड़ा सा तेल गर्म कर लेंगे, उसमें 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे। अब जो उड़द हमने पानी में से निकाले थे उड़द डाल देंगे। हल्के हल्के हाथों से उड़दों को हम फ्राई करेंगे। उड़दों में खुशबू आने लगी, हम गैस को बंद कर देंगे। 2 गिलास मैंने चावल लिए हैं इसलिए मैंने 4 गिलास पानी ले लिया है। इस पानी में हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और पानी को गर्म होने के लिए दूसरी गैस पर रख देंगे। 250 ग्राम दही ले लेंगे, उसमें थोड़ा सा तेल डाल देंगे। 1 चम्मच हम सौंफ पाउडर डालेंगे। दही को अच्छे से फेंट लेंगे, ये देखो दही को हम इस तरह से फेंट लेंगे। 2 बड़े चम्मच तेल गरम कर लिया, उसमें 2 बड़ी प्याज कटी हुई डाल देंगे और प्याज को फ्राई करेंगे। प्याज इतनी ही सॉफ्ट चाहिए थी, आधी प्याज तेल में छोड़ देंगे और आधी निकाल लेंगे। थोड़ी सी मिर्च डालेंगे, 4-5 लौंग डालेंगे, 2 बड़ी इलायची, 1 जावित्री का फूल, दालचीनी के टुकड़े, इन सबको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। 2 कटे हुए टमाटर डाल देंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ी कटी हरी लाल मिर्च डाल देंगे, फेंटी हुई दही डाल देंगे। डिम गैस पर दही को भूनेंगे। अब ये दही बहुत अच्छे से भून चुकी है, हम इस मसाले को भगोने में से निकाल लेंगे। गैस को थोड़ी देर के लिए बंद कर देंगे। भगोने में से सारी ग्रेवी निकाल ली है। ये चावल मैंने 1/2 घंटे के लिए भिगो कर रख दिए थे। ये 2 गिलास चावल हैं, आधे चावल हम भगोने में डाल देंगे। चावल को भगोने में फैला लेंगे। अब जो उड़द हमने फ्राई किए थे उड़दों की लेयर लगा लेंगे चावलों के ऊपर। जो ग्रेवी तैयार की हुई थी उसकी लेयर लगा लेंगे। कटी हरी मिर्च डाल देंगे, कटा अदरक डाल देंगे, प्याज फ्राई हुई के डाल देंगे, बचे हुए सारे चावल डाल देंगे, फ्राई बचे हुए उड़द थे सब डाल देंगे, जो बची हुई ग्रेवी सारी ग्रेवी डाल देंगे। 4 गिलास पानी गर्म करके रखा था वो पानी डाल देंगे। इसको जला देंगे, पकने के लिए छोड़ देंगे। आइए खोल कर देखते हैं, पानी खुशक हो चुका है। अभी हम जर्दे गर्म डाल देंगे। 1 चम्मच हम देसी घी डाल देंगे खुशबू आने के लिए, बहुत अच्छी खुशबू आएगी और टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। हम ढककर इसको दम दे देंगे और 5 मिनट के बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। आइए उड़द बिरयानी को खोल कर देखते हैं। ये देखो कितनी खिली खिली बिरयानी बनी है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। उड़द बिरयानी बनकर तैयार है। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। टेक केयर, बाय बाय।